नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस न्यूज। मैं हूँ पीसी सैनी। आयुर्वेद औषधालय गणेश्वर के वरिष्ठ कंपाउंडर सीताराम टेलर की सेवानिवृत्ति के उपलक्ष में औषधालय प्रांगण में भव्य विदाई समारोह आयोजित किया गया। भगवान धन्वंतरी जी की पूजा अर्चना कर स्वस्ति वाचन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ग्रामवासियों ने टेलर के द्वारा की गई अनुकरणीय सेवाओं के कारण उनका भव्य अभिनंदन किया। जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रदीप शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मधुसूदन शर्मा, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, डॉक्टर प्रमोद शर्मा, डॉक्टर कैलाश शर्मा, पूर्व पीएमओ डॉक्टर जीएस तवर, समाज सेवी नंदकिशोर शर्मा एवं गौशाला समिति द्वारा सीताराम टेलर को अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। सीताराम टेलर के मधुर व्यवहार और समर्पित सेवाओं के कारण बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग एकत्रित हुए। उनका सम्मान करने वालों की वहां होड़ लगी हुई थी। सरपंच प्रतिनिधि घासीलाल अग्रवाल, भाजपा वरिष्ठ पदाधिकारी रामावतार शर्मा, अमर सिंह तवर, मूलचंद यादव, शिक्षाविद सुमंत शर्मा, ओम प्रकाश मिश्रा, विजय शर्मा, गोकुल शर्मा, मदन सिंह, विक्रम सिंह, सुल्तान सिंह, रघुवीर अग्रवाल, विजय हसमपुरिया, महेंद्र गुजर, लखन स्वामी, मुकेश हसमपुरिया एवं गालव गौशाला समिति कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष समारोह में उपस्थित हुई और पूरे गांव में टेलर को घोड़ी पर बैठाकर भव्य जुलूस निकालकर भावभीनी विदाई दी गई। गौरतलब है कि निरंतर 23 वर्ष तक गणेश्वर में पदस्थापित रहकर सीताराम टेलर ने कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी पूर्वक, अनुशासित, समर्पित लोक सेवक के रूप में आयुर्वेद विभाग को अपनी अनुकरणीय सेवाएं प्रदान की है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण, गौ सेवा सहित विभिन्न सामाजिक सेवाओं में भी इन्होंने समर्पित भाव से सेवाएं की हैं। इनको पेड़ पौधों से भी इतना प्रेम है कि अपने घर पर भी इन्होंने एक बॉटनिकल गार्डन लगा रखा है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान, जरूरतमंदों की मदद, गौ सेवा, सनातन धर्म, संस्कृति से प्रगाढ़ लगाव जैसे श्रेष्ठ मानव कर्तव्य गुण सीताराम टेलर को अपने माता पिता से विरासत में मिले। इनके पिताजी द्वारा गाँव थोई में निर्मित श्री नामदेव जी मंदिर में समय समय पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर धर्म संस्कृति की पालना को भी फहरा रहे हैं। आपको बता दें कि सीताराम टेलर ने 39 वर्षों तक आयुर्वेदिक का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, पशु पक्षियों एवं गौ माता की निस्वार्थ सेवा की है। ये गणेश्वर गौशाला की अक्षय पुण्य योजना के भी सदस्य हैं। इन्होंने अपने संपूर्ण सेवा काल में अपनी बेदाग छवि बनाकर रखी है। इस ग्रुप में प्रतिष्ठा से सेवा निवृत्त होना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2002-03 में भीषण काल के दौरान अति विषम परिस्थितियों में श्री गालव गौशाला की स्थापना करवाने में और दीर्घ काल तक इसके स्वस्थ संचालन में भी टेलर का अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नीमका थाना क्षेत्र में गणेश पूजन, नवरात्रा पूजा, जन्माष्टमी, रामलीला जैसे प्रत्येक धार्मिक कार्यक्रम में भी टेलर सहयोग करते हैं। वृक्षारोपण, दीन दुखियों और निर्धन बेटियों के विवाह में सहयोग के लिए भी ये सदैव तैयार रहते हैं। कोरोना व लंपी महामारी काल में भी सीताराम टेलर द्वारा उल्लेखनीय सेवाएं की गई थी। सीताराम टेलर का कहना है कि वे आजीवन सेवा करते रहेंगे। खबर में इतना ही। आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।